Hello guys, today we are going to learn female reproductive system in chapter 3rd, human reproduction for class 12 students. In previous video, we learned about what is male reproductive system. Now here is female reproductive system. This diagram is given in your NCERT book on page number 45, okay, which I have mentioned there. So you can see diagram through it. Here I have mentioned certain organs which constitute a female reproductive system. Female reproductive system starts with एक pair trap ovaries. Ovaries one pair पाई जाती है lower abdominal region में और one on each side. ठीक है. हर एक ovary में जो length है उसकी approximately वो लगभग 2 से 4 centimeter की length होती है ovary की. उसके अलावा ovary को बाहर की तरफ से एक thin membrane cover करती है जिसको thin epithelium layer कहते हैं और इस थिन एपिथेलियल लेयर के अंदर जो ओवरी का स्ट्रोमा है वो एनक्लोज होता है. स्ट्रोमा को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो बाहर की तरफ पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर वाला जो रीजन है जिसको इनर मेड्यूला भी कहते हैं. ठीक है, तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स आउटसाइड की तरफ और पेरिफेरल और इनर मेड्यूला इनसाइड की तरफ इन द फीमेल स्ट्रोमा. ओके, अब ओवरीज ही वो ऑर्गन्स हैं जो एक्चुअली ओवम को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ जो ओवेरियन हॉर्मोन्स है ना, जिसको स्टीरॉयड हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं हम लोग. तो ये ओवेरियन हॉर्मोन्स आपने सुना होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये भी ओवरी से प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक, सो सेकेंड ऑर्गन इज फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट. फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एक्चुअली ओवरी से लगी हुई एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है और आपको पता होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब ही वो प्लेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, इन फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. तो फेलोपियन ट्यूब में एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं. जो हिस्सा उसका ओवरी की तरफ होता है, जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ओवरी के नजदीक पाया जाता है, उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं. और इनफंडिबुलम में एक कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको फिम्ब्रियाई कहा जाता है. ये आप देख रहे हैं FIMBRIAI. तो फिम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इन्फेंडिबुलम में पाए जाते हैं. इन्फेंडिबुलम में पाए जाते हैं और इन्फेंडिबुलम क्या है, एक्चुअली एक फनल जैसा स्ट्रक्चर जो ओवम को रिसीव करता है. प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ओजेनेसिस, है ना. और जब ओवम ओवरी से बाहर आता है तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. नेक्स्ट, इन्फेंटिबुलम थोड़ा सा आप पीछे जाके एक हल्के से वाइडर रीजन में खुलता है, वाइडर प्लेस में खुलता है, जिसको एम्पुला कहते हैं. यानी एम्पुला इन्फेंटिबुलम से थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है. उसके बाद फिर ये एरिया हल्का सा और पतला हो जाता है पीछे जाके. तो स्थमस वो नैरो पैसेज है जो फाइनली ओविडक्ट को उधर यूट्रस में खोल देता है. यानी स्थमस के जरिए फिर हम ये कह सकते हैं कि ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में खुलती है. ठीक है, तो आपको समझ आएगा ओविडक्ट के या फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं. इन्फेंटिबुलम जो ओवरी के नजदीक है जिसमें फिम्ब्रियाई होते हैं, और सेकेंड एम्पुला, और थर्ड स्थमस. चलिए नेक्स्ट इज यूट्रस, या इसको वोम्ब भी कहते हैं, WOMB. यूट्रस एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसका शेप हम समझ सकते हैं कि जैसे उल्टा नाशपाती, इन्वर्टेड पियर. जैसे इन्वर्टेड पियर अगर नाशपाती उल्टा करो तो उसका ब्रॉड वाला जो एरिया है वो ऊपर चला जाता है और जो नैरो पैसेज है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है. तो इस तरीके से उल्टे नाशपाती की जैसे इसका शेप होता है. और यूट्रस में जो फर्टिलाइज एग है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसका इम्प्लांटेशन होता है. आपको 10th में पढ़ा होगा आपने ये भी कि जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में आके अटैच होता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन गेस्टेशन पीरियड, तो ये वही प्लेस है जहां यूट्रस पे वो एम्ब्रियो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ के लिए ग्रो करता है मदर की फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर. ठीक है, यूट्रस में 3 लेयर्स काम करती हैं. यानी यूट्रस 3 लेयर्स का मिलकर बना होता है. जो बाहर की तरफ एक पतली लेयर होती है जिसको हम पेरिमेट्रियम कहते हैं, इट इज आउटर मोस्ट थिन लेयर, थिन मेम्ब्रेन. देन उसके बीच की तरफ मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है, इसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती है. स्मूथ मसल्स आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, यानी जो इनवॉलंटरी मसल्स है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना. और ज्यादातर ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स वाले होते हैं. तो स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम को फॉर्म करती है जो कि इसका मिडिल रीजन है.
और सबसे अंदर की तरफ इनर मोस्ट लेयर जो है ये होती है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम एक ग्लैंडुलर लेयर है और इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं जब गेस्टेशन होने को होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, डिलीवरी ऑफ द बेबी के दौरान, तो इसमें कई सारे चेंजेस भी आते हैं, जैसे इसकी थिकनेस का बढ़ जाना है ना, इसकी मस्कुलरिटी बढ़ जाना और इसमें और सारी ब्लड सप्लाई का बढ़ जाना, तो ये सारी चीजें मेंस्ट्रुएशन के दौरान प्रिपेयर होती है एंडोमेट्रियम के थ्रू। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, इन यूट्रस या वॉम फाइनली सर्विक्स के जरिए, सर्विक्स एक नैरो पैसेज है और सर्विक्स के थ्रू ये फाइनली वेजिना में खुल जाता है। सर्विक्स की जो पतली कैविटी है, जो नैरो पैसेज है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, और सर्विकल कैनाल वेजिना में खुलती है, तो सर्विकल कैनाल और वेजिना मिलके बर्थ कैनाल को फॉर्म करते हैं। ओके नेक्स्ट वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइना बाहर की तरफ एक अपनी वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू खुलता है जिसको वल्वा कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें ये नाम आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस एक्चुअली एक ऐसा कुशन जैसा फैटी टिश्यू है जो स्किन ये और प्यूबिस प्यूबिक हेयर से कवर होता है, ठीक है, इसमें प्यूबिक हेयर है और स्किन वगैरह पाई जाती है, तो ये वो वाला हिस्सा है मॉन्स प्यूबिस का लोअर एब्डोमिनल रीजन में। उसके नीचे लेबिया मेजोरा एक पेयर फैटी टिश्यू है, कुशन जैसा स्ट्रक्चर है ये भी, और ये टिश्यूज जो वेजाइनल ओपनिंग का उसको कवर करते हैं। ठीक, लेबिया मेजोरा के नीचे उसके अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा पाए जाते हैं, ये भी एक पेयर टिश्यूज के हैं और ये वेजाइनल ओपनिंग को ही बेसिकली इंटरनली कवर करने का काम करते हैं। वेजाइनल ओपनिंग को हाइमेन कवर करता है, हाइमेन एक पतली मेम्ब्रेनस लेयर है जो गर्ल्स में पाई जाती है, और इस हाइमेन की जो रप्चरिंग है, इसकी जो टॉर्निंग, इसकी जो टीयरिंग है, वो अक्सर हो जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या एक्टिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान, साइकिलिंग हो या हॉर्स राइडिंग वगैरह हो, तो इन सारी चीजों के दौरान ये हाइमेन कई बार बर्स्ट हो जाती है, रप्चर कर जाती है। ठीक है, तो हाइमेन का, और कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बावजूद भी कुछ औरतों में, कुछ वीमेन में हाइमेन परसिस्ट करती बनी रहती है, तो इसलिए हाइमेन की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से किसी की वर्जिनिटी को जज करना ये रिलायबल नहीं होता है, दैट इज नॉट ए ट्रू फैक्टर। ठीक है नेक्स्ट क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल पेनिस एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल टिनी स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज फाउंड इनसाइड एंड इट कवर्स, इट इज अराउंड द यूरिथ्रल ओपनिंग। ओके सो दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वन मोर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फाउंड, वन मोर पार्ट इज फाउंड और एसोसिएटिंग इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, दे आर हैविंग ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ओके सो दीज वन पेयर मेमोरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन द थोरेसिक रीजन, इन द अपर मोस्ट चेस्ट रीजन, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट। ग्लैंडुलर टिश्यू हैज क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स मीन एक ह्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दीज आर नेम्ड एज एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई वो हिस्सा है जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे। तो ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट बनते हैं, और इसमें जो एल्वियोलाई है वो फाइनली मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके मेमोरी डक्ट्स बनाते हैं, मेमोरी डक्ट्स फाइनली कलेक्ट हो जाते हैं, मेमोरी एम्पुला को फॉर्म करते हैं, और मेमोरी एम्पुला में लैक्टिफेरस डक्ट इन्वॉल्व होती है, लैक्टिफेरस डक्ट इसमें खुलती है जिसके थ्रू मिल्क प्रोडक्शन होता है, और ये निपल के जरिए फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर पार्ट्यूरेशन ही होता है, मीन्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी मिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स। ओके सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड योर होमवर्क इज व्हाटएवर क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दीज टॉट टॉपिक्स टिल नाउ, यू हैव टू राइट देयर आंसर्स वेरी प्रॉपरली, वेरी ऑनेस्टली, एंड कीप योर सेल्फ सेफ, कीप वॉचिंग वीडियोज, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल मे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, एंड वट एवर योर डाउट्स और क्वेरीज आर देयर कीप राइटिंग इन कमेंट्स। टिल देन
हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।